सोनी टीवी के चैनल पर दो नए शोज आने वाले हैं। एक सीरियल का नाम होगा एक दूजे के वास्ते तो दूसरे का नाम होगा कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। हाल ही में इन शोज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया जहां एक्ट्रेस ने अपने कैरेक्टर्स के बारे में बताया और कई सवालों के जवाब भी दिए। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहें हमारा चैनल। नमस्कार। मेरे समझ में जो ईश्वरी आई है, ईश्वरी दीक्षित एक भारतीय मिडिल क्लास नारी की आत्मा है। उसकी जो पहली संतान है उसके जन्म के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ, औरत होना तो एक मान है ही, पर बेटे के जन्म के बाद तो उसे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बेटे के नामकरण के दिन ही जैसे कि बेटे को नाम मिल गया देव, और ईश्वरी का भी नामकरण हुआ कि देव की माँ, उस दिन से वही उसकी पहचान बन गई है। तो उसकी पहचान और उसका बेटा देव, दोनों पर उसे बहुत गर्व है और इस गुरूर को वो अपने सीने पे तमगे की तरह लगाकर चलती है। इस तरह की और ऐसी अनेक लेयर्स ईश्वरी के हैं, लेकिन ये उसका कोर है। हेलो एवरीवन। देव, मेरे हिसाब से देव एक पुजारी है, एक भक्त है। वो अपनी माँ का भक्त है। उसके लिए इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान, सबसे ज़रूरी इंसान उसकी माँ है। उसकी माँ उसे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, मगर देव कहता है कि नहीं, एक माँ तो अपने सब बच्चों से प्यार करती है, मगर देव के लिए सिर्फ एक माँ है, वो सिर्फ उसी से प्यार करती है। गुड इवनिंग एवरीवन। पहले तो सोनाक्षी वो न्यूट्रिशनिस्ट है, और सोनाक्षी मानती है कि नोबडी सीरियस अबाउट न्यूट्रिशन। अगर किसी को पूछा जाए कि ईट क्लीन क्या होता है, तो लोग मानते हैं कि यू नो यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, वो क्लीन ईटिंग होता है। और बैलेंस डाइट क्या होता है कि एक एक हाथ में एक एक प्लेट छोले भटूरे। सो यू कैन जस्ट इमेजिन व्हेन उनकी पेशेंट जो है वो अपने हार्ट सर्जरी से पहले प्रसाद की बूंदी खाता है। सो शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हर वर्क, एंड वो बहुत ज़िद्दी है और अपने पेशेंट्स को समझा के ही छोड़ती है, चाहे वो ईश्वरी आंटी जैसी ज़िद्दी हो। सो दैट्स व्हाट सोनाक्षी इज़ अबाउट। सुमन, सुमन सुमो है एक्चुअली। सुमन सुमन भी है और सुमो भी है। लेट मी एक्सप्लेन। सुमो ज़िद्दी है, सपनों से भरी हुई है, वो लाइफ में कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, बहुत स्वाभिमानी है। ज़रूरत पड़ने पर वो हक को लड़कर छीनना भी जानती है, लड़ के छीनना। एंड सुमन, सुमन को बचपन में ही एहसास हो गया था उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद कि जिस परिवार ने उसे बड़ा किया है, इतना प्यार दिया है, उसकी ज़िंदगी उन्हीं की है। तो वो अपने परिवार की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहती है। उसके लिए अपने परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं, सुमो भी नहीं। बट यू नो व्हाट, सुमन बस यही चाहती है कि सुमन रहकर भी वो सुमो के अरमानों को पूरा कर सके। मुश्किल ज़रूर है, पर सुमो ने हार मानना कभी नहीं सीखा। सो दैट्स सुमो फॉर यू। श्रवण, श्रवण एक ऐसा लड़का है जो बचपन से इंटेलिजेंट है, बट थोड़ा नर्डी है। शक्ल पे चश्मा, हाथ में किताब, फ्रेंड्स तो ना के बराबर, सिवाय एक के। बट बुरा वक्त आने पे उसने भी धोखा दे दिया। तब श्रवण समझ गया कि लाइफ में इंटेलिजेंट होने के साथ साथ विटी और चार्मिंग होना जरूरी है, और उस दिन से उसकी लाइफ बदल गई। आज वो एक सक्सेसफुल लॉयर है, और जिन औरतों का वो मजाक उड़ाता है
उन्हीं का सबसे बड़ा हीरो। आज सब कुछ है श्रवण के पास सिवाय उस दोस्त के। श्रवण क्या भी प्यार करता है सुमो से? ये आंसर है शायद, बट आई थिंक अभी राइट नाउ जो उसकी पास्ट, जो उसमें चेंज आया है उसके कैरेक्टर में, दैट्स बीन ड्रिवन मोस्टली बाय सुमो एंड सम अदर पास्ट सर्कमस्टेंसेस। जो भी चेंज है वो इनकी वजह से है, तो काफ़ी चिढ़ता भी है इनसे और इन्हें दिखाना चाहता है कि जो वो नर्डी लड़का था उस टाइम पे वो अब नहीं रहा है, कितना चेंज हो गया, उसने कितनी तरक्की की और कितना चेंज लाया अपने आप में, और ये प्रूव करना चाहता है कि अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है जैसे स्कूल में थी। सुमो का काफी गहरा असर पड़ा है, काफी काफी, हाँ, साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ है। ओ, तो आप उससे थोड़ी थोड़ी नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और लव हेट? हाँ, आप लव एंड हेट। सो लेट्स सी हु विंस, राइट? यस। ओके, लेट्स प्रे लव विंस। सो दिस इज द टीम ऑफ एक दूजे के वास्ते फॉर यू गाइस।